नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। गाजीपुर जिले में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रेलवे क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसे लगभग 21 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वहीं आज रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन कर पूरे जनपद को तोहफा दिया। अब रेलवे में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि गाजीपुर में आकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के इस प्रथम रेल प्रशिक्षण संस्थान में तकनीकी, वाणिज्य दोनों तरह की प्रशिक्षण कुशल अनुदेशकों के सानिध्य में दिया जाएगा, जिसमें स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, रेल पायलट, टीटी आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेनिंग में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए सुविधा दी गई है, जिसमें छात्रावास भी बनाया गया है। इस दौरान जनता ने रेल राज्य मंत्री का जोधगार फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को शुभकामना दिया और लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। अब ये जो भर्ती है, मुझे लगता है कि प्रशिक्षण में इसको महारत हासिल है और नरेंद्र कहीं पौधारी बाबा के पास आए थे और 7 दिन रहने के बाद जब गए यहाँ से तो स्वामी विवेकानंद बन गए। ये हमारी पुरानी परंपरा है गाजीपुर की। मैं समझता हूँ तो उस परंपरा का निर्वहन यह प्रशिक्षण संस्थान करे, ऐसी मेरी कामना है और पौहारी बाबा से प्रार्थना है। जो लोग यहाँ प्रशिक्षण लेकर के जाए सुरक्षित गाड़ी चलाने में दक्ष हो, यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा का पूरा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का प्रशिक्षण संस्थान ये भविष्य में बनकर के तैयार होगा। मैंने छोटा से यातायात से भी और महाप्रबंधक सुंदर भवन बना है, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए अलग छात्रावास बने हैं, प्रशिक्षण के लिए अलग अलग कक्ष, और अगर अंदर आप कभी देखेंगे तो मुझे लगता है कि जाने के बाद आपको दिखेगा कि एक रेलवे स्टेशन पर जो सुविधाएं हैं वो लगभग सभी सुविधाएं इस प्रशिक्षण संस्थान में हैं, ताकि जो हमारे कर्मी भाई आए उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा सके। पूर्वोत्तर रेलवे के पास अपना कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं था, जहां रेल के अपने कर्मचारियों की प्रारंभिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। और मैं मानता हूं कि किसी भी संगठन के लिए और संगठन के कर्मचारी के लिए दक्ष होना बड़ा आवश्यक है और दक्ष होने के लिए उचित प्रशिक्षण ये भी अनिवार्य है और इसी निमित्त इसकी स्थापना हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।